नमस्कार, मैं बिजू भाई आप सबका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल बिजू भाई द ब्लॉगर पे। दोस्तों, मैं उड़ीसा का संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव टांगरमुंडा से बिलोंग करता हूं और ये यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत बार सोचा कि क्या बनाऊँ क्या नहीं, और फाइनली दोस्तों मैं आज ऐसे एक शख्स के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं। उनका एक हाथ और एक पैर से वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बहुत संघर्ष करके उन्होंने खुद को शिक्षित किया और आज इस गांव पे एक छोटा सा ऑनलाइन कैफे ऑनलाइन सेंटर खोला है। और उन्हीं के दुकान से मैं अपना ये पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो बहुत सारे दोस्त, किसी ने मेरा मजाक उड़ाया, किसी ने मेरे को डिमोटिवेट किया कि बिजू भाई तू ये क्या करने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैंने सोच लिया था बनाऊंगा, तो आज ये पहला वीडियो सुशांत जी के ये नेट कैफे से बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आइए उनके दुकान के अंदर, उनके कैफ़े के अंदर जाते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं और उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सुशांत जी का कैफ़े पे पहुंच चुके हैं और उनके कैफ़े के अंदर चल के कुछ उनसे बातें करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। सुशांत जी नमस्कार, और कैसे हैं? बढ़िया। हाँ सुशांत जी, मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपका और YouTube पे डालूंगा इसको, तो आपने जो ये नेट कैफे अपना खुला हुआ है इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे दर्शकों को और कुछ जानकारी आपके बारे में भी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सुशांत जी जैसे मैंने बोला था ठीक से बोल नहीं पाते हैं, जो भी अगर उनको पूछा जाए तो वो लिख के ही उसका जवाब देते हैं। तो आइए उनसे कुछ उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सुशांत जी, पहले तो आप ये दर्शकों को बताइए कि आप पढ़े लिखे कितने हैं। दोस्तों, ये बता रहे हैं कि इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ग्रेजुएशन कहाँ पे किया सर आप? उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है लिख के बता रहे हैं कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन राउरकेला में कंप्लीट किया है। और बारहवीं की पढ़ाई सर? जेएम कॉलेज संबलपुर से ये अपना बारहवीं की पढ़ाई कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, ये अपना जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। इनका वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा जानकारी मैंने बाहर से भी लिया, क्योंकि सारा जवाब तो ये अपना मुझसे दे नहीं पाते हैं। तो सुशांत जी कृपा करके थोड़ा सा उठने की कष्ट कीजिए, क्योंकि दर्शकों को पता चले कि जैसे मैंने आपके बारे में बताया था। तो दोस्तों देखिए, सुशांत जी एक पैर से और उनका दाहिना हाथ से विकलांग हैं और वो बोल भी नहीं पाते हैं। जो सारा अगर कुछ बोलना हो तो लिख के ही जवाब देते हैं। सुशांत जी बैठ जाइए। तो दोस्तों, इनका कैफे वर्क के बारे में जरा मैं आपको बता दूं। सुशांत भाई के यहाँ जेरोक्स से लेकर फोटो और ऑनलाइन के संबंधित जितने भी सारे काम हैं, जॉब अप्लाई हो गया, आधार कार्ड का डाउनलोड हो गया, जितना भी सारे काम ये करते हैं, और उनका एक असिस्टेंट भी आज आए हुए हैं जो बैठे हैं। चलिए उनसे भी कुछ बात करते हैं और सुशांत जी के बारे में जानकारी लेते हैं और उनका कैफे के बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो भाई नमस्कार, आपका नाम क्या है? जतिन चंपिया। जतिन चंपिया, तो रिश्ते में कुछ आते हैं सुशांत जी के भाई, फ्रेंड या भांजा कुछ? तो जतिन भाई, पहले तो आप बताइए कि इनके घर में कितना मेंबर है? पांच मेंबर में से कौन कौन आते हैं? इसका बड़ा भाई, भाभी और तीन छोटे छोटे लड़के। और इनके माता पिता? नहीं है, गुजर गए। गुजर गए, कितने साल हो गए गुजर गए? चार पांच साल हो गए गुजर गए हैं। तो देखिए दोस्तों, सुशांत जी का जो माता पिता है वो चार पांच साल हो गया गुजर गए हैं,
और दोस्तों सुशांत जी के बारे में तो मैंने जानकारी लिया था, जैसे ये जब ग्रेजुएशन कर रहे थे सर, तो भाई अपने पॉकेट मनी के लिए, जैसे अपना बड़े भाई और भाभी के ऊपर प्रेशर ना पड़े, उसी के चलते ये छोटा सा झोपड़ी का झोपड़ी टाइप बना के उन्होंने वहाँ अंडा बेचा है, चिप्स कुरकुरे चना बेचा है, इस टाइप का काम करके उन्होंने आज इस काबिल खुद को बना लिया कि आज ऑनलाइन कैफे खोल के बैठे हैं यहाँ। तो एजुकेशन सर इतना ज़रूरी है आज के डेट में, अगर शिक्षा नहीं है तो हर किसी का जीवन अंधेरा ही अंधेरा है। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम एक ही चीज़ बोलेंगे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और अच्छी एजुकेशन दीजिए, ताकि वो आगे चल के एक अच्छा इंसान और कामयाब बन सके। बस और कुछ नहीं कहेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुशांत भाई के साथ कस्टमर जुड़ सके, उसके लिए मैंने अपनी तरफ से ये छोटा सा प्रयास किया है। और आप सबको अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भाई बहन देख रहे हों, जितने दर्शक देख रहे हों, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको जान पाए, इनके काम के बारे में जान पाए। और जिस उम्मीद से ये अपना कैफे ऑनलाइन सेंटर खुला हुआ है, उससे उनको सफलता मिले। दोस्तों सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घट जाता है। तो सुशांत भाई का जो मैंने मदद किया है, उतना ही फर्ज आपका भी बनता है कि इनका हेल्प कीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। और मैंने अगर कुछ अच्छा काम किया है, कुछ अच्छा बोला है, तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।